हेलो गाइस, आज मैं आपको एक न्यू और इंटरेस्टिंग कहानी दिखाने जा रहा हूँ। इसे लास्ट तक वॉच करना, उसके बाद लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑल में प्रेस करना, देन हमें एक अच्छी सी कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू। 3 साल हो रहे हैं राज, हम लोग लिविंग में रह रहे हैं। तुम कब मुझसे शादी करोगे? मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्रेशर कर रहे हैं और हम दोनों को एक बड़ी कंपनी में जॉब भी मिल गई है। अब प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझसे शादी कर लो। नीलम, मुझे अभी भी तुम पर पूरा भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ तुमसे शादी करूँ या ना करूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आजकल किसी का भी दिल का बात समझना बहुत ही मुश्किल है। तुम अभी ऐसे हो, लेकिन शादी के बाद अगर तुम चेंज हो गए तो? और आजकल तुम मुझसे बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ शादी के बाद तुम मुझे भिखारी ना बोल दो। ये बात सुन के बहुत मुझे दुख हो रही है, तुम तो मुझे अभी तक समझ ही नहीं पाए। हाँ, सच में तुम मुझसे अब शादी कैसे करोगे? रही बात कमाई की, तो तुम्हें भी पता है कि मैं उतनी चीप नहीं हूँ। और तुम अभी लड़ाई बंद करो। और हाँ, कल वरुण का बर्थडे पार्टी है, हम दोनों को बुलाया, चलोगे तो? नहीं, मैं नहीं चलना चाहती, मेरा मूड ऑफ हो गया है, तुम अकेले चले जाओ। तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे इम्प्रेस नहीं डिप्रेस कर देता है। ठीक है, मैं जाऊंगी, लेकिन मेरे पास अभी कोई अच्छे कपड़े नहीं है, तो मुझे शॉपिंग करना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? नीलम, हम लोग बर्थडे पार्टी में जाएंगे और वो भी वरुण का, नॉर्मल पार्टी है, अभी क्या शॉपिंग? निकालो, इतना जो बोल रहे हो तुम निकाल के मुझे दिखाओ कि मेरे कितने न्यू कपड़े हैं। अगर एक भी मिल गए ना, तो मैं 1 साल तक शॉपिंग नहीं करूंगी। नीलम, लड़ना बंद करो, मेरा सर में बहुत दर्द कर रहा है। मैं नहीं लड़ रही हूँ, मैं बस तुमसे बोल रही हूँ कि मेरे पास कोई न्यू ड्रेस नहीं है, सब मेरा पहना हुआ है। तुम मुझे शॉपिंग में लेकर चलो, मैं कल पार्टी में भिखारी की तरह नहीं जाऊंगी। तुम जब से ज़्यादा कमा रहे हो, तब से तुम्हारा बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ गया। देखो, मुझे बात बढ़ाना पसंद नहीं है, मैं लेट हो रही हूँ। इफ़ यू वॉन्ट सो कम विथ मी। नहीं, मैं नहीं चल सकता, मेरा बहुत काम पेंडिंग है, तुम अकेले चले जाओ। ओके, बाय। अरे, ये तुम कैसे ड्रेस पहनकर वरुण का पार्टी में जाओगी? ये कोई तरीका है कपड़ा पहनने का? ये आजकल का फैशन है राज, तुम तो ओल्ड फैशन हो, और मैं भी फैशन नहीं करूं? मेरा फ्रेंड्स हमेशा तुम्हें नॉर्मल ड्रेसेस में देखे हैं, लेकिन आज तुम ऐसा कपड़ा पहनोगे, उन लोग क्या सोचेंगे? ठीक है, तो आज वो लोग मुझे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेस में देखेंगे, सो वॉट, कौन क्या सोचता है नहीं सोचता है, आई डोंट केयर। ओके, लेट्स गो। और वैसे भी तुम्हारा जिंदगी, तुम जो मर्जी करो, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? राइट, तुम अभी भी मेरे बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड नहीं। तुम्हारा हस्बैंड बनना शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। वी आर गेटिंग लेट आई थिंक। क्या यार, इतना लेट? मैं तो समझ रहा था तुम दोनों आओगे ही नहीं। डोंट माइंड यार, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वरुण, क्या बोलूँ तुम्हें, तुम्हारा फ्रेंड ना बहुत ज़्यादा ही चिड़चिड़ा हो गया है, आई डोंट नो वाई, खाली मुझसे लड़ाई करता है। नीलम प्लीज, आज वरुण का बर्थडे है, तुम कुछ अच्छे अच्छे बातें करो। ये क्या वरुण, तुम अपने बर्थडे में सैंडो गेंजी पहनकर बैठ के हो? नीलम, मेरा तो फिर भी सैंडो गेंजी है, तुम्हारा तो वन शोल्डर ही नहीं है। लुक एट मी, मेरा चेस्ट में देखो, मैंने न्यू टैटू बनाया है, वो भी आज। कैसा बना है बताओ ना। ग्रेट, तुम इस टैटू को शो करने के लिए ही सैंडो गेंजी पहने हो ना? देख लिया नीलम, मैंने तुमको बोला था ऐसे कपड़ा पहनकर मत जाओ, लेकिन तुम आज, तुम्हें वरुण ने बोल ही दिया ना। डोंट बी एंग्री राज, आई एम जस्ट जोकिंग। तुम दोनों कैसे हो, अभी 21st century है और ये सब फैशन है, तुम लोगों के लिए मैं अपनी फैशन नहीं छोड़ सकती। चल छोड़ ना ये सब आलतू फालतू बातें, आज मेरा बर्थडे है,
चल हम लोग कुछ मस्ती करते हैं। सॉरी यार, लेट्स स्टार्ट पार्टी। या हैप्पी बर्थडे टू यू। ड्राइवर क्वेस्ट मॉल चलो। ठीक है मैडम, आप जहाँ बोलिएगा मैं वहीं जाऊँगा। जरा जल्दी चलिए वरना क्वेस्ट मॉल बंद हो जाएगा, मैं पहले से ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। मैडम ये मैं क्या करूँ, ट्रैफिक है। क्या हुआ, तुम इतना मुंह फुलाकर क्यों खड़े हुए हो? मैं बस एक घंटा ही लेट हुई हूँ। और तुम ड्राइवर का साथ क्यों बैठे थे, तुमको तो पीछे बैठना चाहिए था। तो क्या हुआ, ड्राइवर मेरा अपना थोड़ी है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, तुम उसके पास क्यों बैठे हो, ये कोई तरीका है? तुमको आजकल क्या हो गया, बहुत अलग अलग से बिहेवियर कर रहे हो। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तुम्हारा सोच में बहुत गंदगी आ गई है। ड्राइवर के साथ मत बैठो, कपड़ा नहीं पहनो, जस्ट ग्रो अप। वाई आई यू शुड बी ग्रो अप, तुमको ये सब हरकत नहीं करना चाहिए। अब तुम्हारा उम्र बढ़ रहा है, तुम कुछ दिन बाद मेरी बीवी बनोगे और उसके बाद तुम ऐसे करोगे तो मैं तुम्हें टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। एक काम करते हैं जिससे मुझे भी खुशी मिलेगी और तुम्हें भी, ब्रेकअप कर लेते हैं। अगर ब्रेकअप करने का होता ना मैं तुमसे बहुत पहले कर लेता, लेकिन क्या करूँ ये कमबख्त दिल मानता ही नहीं, मैं जो तुमसे बहुत प्यार कर बैठा हूँ। ये प्यार नहीं है, ये डाउट्स है जो इस रिलेशन को स्पॉइल कर देगा। तुम काम ही ऐसे मत करो जिससे मुझे डाउट्स करने का मौका मिले। ओके चलो अब शॉपिंग करते हैं, बहुत देर हो चुकी है। हेनरी तुम इस पार्क में, वो भी इतनी सुबह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। हाँ वो एक्चुअली मैं इस पार्क में जॉगिंग करने आया था। मैं भी इसी पार्क में डेली जॉगिंग करने के लिए आती हूँ, कभी तुम्हें देखा नहीं। और मेरा अपार्टमेंट से ये पार्क बहुत नज़दीक पड़ता है ना, इसलिए। तुम यहाँ पर अकेले, तुम्हारा बॉयफ्रेंड राज नहीं आया? नहीं एक्चुअली उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। ओ इट मीन्स ही इज टू मच लेजी। मे बी या मे बी नॉट। 3 साल से तुम दोनों रिलेशन में हो, अभी तक ना ही वो तुम्हें समझ पाया नहीं तुम, ऐसा क्यों? क्या पता, तुम्हारी पार्टनर जो बनेगी वो बहुत लकी होगी। ऐसा क्यों? तुम बहुत फ्री माइंड हो और सब लड़की को ही फ्री माइंड लड़का पसंद आते हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं फ्री माइंड हूँ? तुम तो मुझसे ऑफिस में बात ही नहीं करती हो, खाली इग्नोर करती हो मुझे। मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करती हूँ, तुम्हें पता ही है मेरा कितना काम है और मैं उसमें इतना बिजी रहती हूँ कि ऑफिस में मुझे किसी के साथ बात करने का टाइम ही नहीं मिलता। ओके ग्रेट आइडिया, अब से हम डेली सुबह यहीं पर मिलेंगे और बातें करेंगे। अरे नीलम तुम ये किससे बात कर रहे हो और तुम जॉगिंग का नाम पे ये सब करते हो? नो आप इतना गुस्सा मत होइए, मैं और नीलम एक ही ऑफिस में काम करते हैं। मिस्टर तुम हम दोनों का बीच में मत आओ, जहाँ हो वही खड़े रहो। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, वो बस मेरा ऑफिस का फ्रेंड है, तुम उसे अच्छे से बात करो। तुम मुझे सिखाओगे मैं किससे कैसे बात करूं? घर पर मैं, बाहर तुम्हारा ऑफिस कलीग, वाओ ग्रेट, ये अभी चलता रहेगा क्या? और भी कोई है क्या तुम्हारा? शट अप, तुम्हें पता भी है तुम कैसी बातें बोल रहे हो, ये रिलेशन और आगे नहीं बढ़ेगी, इट्स ओवर। मुझे पता है ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हारा बदलाव समझ रहा था। समझ गए ना, तो अब चुप करो, चुपचाप घर चलो, मैं अपनी सामान पैक कर लेती हूँ, फिर मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगी। नीलम वो मैं अपनी फ्लैट में अकेले रहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ लिविंग में रहना चाहोगी? फिर से ऐसा ही झगड़ा होगा, मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है, सोच लो। तुम्हें तो पता ही है मैं फ्री माइंड का लड़का हूँ, तो तुम मुझसे शादी भी कर सकती हो।
मैं थक गई हूँ। हे, तुम्हारा ये हिम्मत, तुम मेरे सामने किसी और को गले से लगा रहे हो? तुम्हें हिम्मत किसने दिया हमारे बीच में आने का? अब नीलम मेरी गर्लफ्रेंड है, आउट। आप कितने अच्छे हैं जी, मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मैं कभी भी आपके बातों को नहीं टालूंगी। हाँ, और मुझे ऐसी लड़की बहुत पसंद है जो मेरा बात सुनती है। लगता है राज ही मेरे लिए सही था, मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए था। हेनरी कितना बेशरम है, पता नहीं वो मुझे छोड़कर और कितनी लड़कियों का ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। आप सबने देख लिया, एक इंसान दूसरे इंसान को समझने में कितना देर कर दिया। और आज हमारी इस कहानी की नाम है लिविंग रिलेशनशिप। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करो, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑल में प्रेस कर दो, कमेंट में बताओ कैसा लगा। थैंक यू।